जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष एक नाटक। यहाँ रिंकी पढ़ती है और उनकी माँ आती है। रिंकी अभी तक पढ़ाई में घुसी है, जा जाकर कपड़े धो कर आ। माँ मुझे पढ़ना है, फिर उसके बाद स्कूल भी जाना है। अरे चले जाना, पहले कपड़े धोना भी तो ज्यादा जरूरी है। जी माँ। डाकिया आते हैं पत्र लेकर। नॉक 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 नॉक, खलते कोई है? हाँ कौन? आपके लिए पत्र आया है, साइन कर दीजिए। साइन? साइन क्या होता है? अनपढ़ है क्या आप? हाँ। तो अंगूठा ही लगा दीजिए। हरे राम, इसमें क्या लिखा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब तो बाहर जाकर ही पढ़वाना पड़ेगा किसी से। मोहल्ले के भैया आते हैं। भैया जी, हम कब बुलाया? हाँ क्या पढ़ सकते हैं, इस पत्र में क्या लिखा है? जी जरूर, हम तो पूरी पहली कक्षा तक पढ़े हैं, पहली कक्षा तक। मैडम जी, इसमें तो बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है। एक काम करता हूँ, मैं अपना चश्मा ले आता हूँ। पता नहीं चश्मा लेने गया है या आंखों की मोतियाँ निकालने। अब तो किसी और से ही पढ़ाना पड़ेगा। मोहल्ले के दूसरे भैया आते हैं। वायर को वायर से दूर रहना। भैया जी, हमको बुलाया। हाँ पढ़ सकते हैं, इस पत्र में क्या लिखा है? हाँ हमें बहुत अच्छा पढ़ना आता है, मैडम हर बार हमसे ही कहती थी पढ़ने के लिए। एक मिनट पकड़िए, हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। पता नहीं, एक तो चश्मा लेने गया है और दूसरे का इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। अब तो किसी और से ही पढ़वाना पड़ेगा। पड़ोसी की भाभी चीनी लेने आती है। नौक नौक। नौक नौक। हाँ कौन? अरे भाभी जी, आपका काफी समय से दिखाई भी नहीं दी, ईद का चांद हो गई है। अरे काफी काम होता है ना। अच्छा मेरे को जरा चीनी दे दीजिए। आइए मैं आपको चीनी दे देती हूँ। जब भी आती है कुछ ना कुछ लेकर ही जाती है। आपने कुछ कहा? अरे नहीं, ये लीजिए चीनी। शुक्रिया। अरे ये क्या है? अरे देखो ना, सुबह से पत्र आया है लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला इस पत्र में क्या लिखा है। आप तो काफी पढ़ी लिखी है ना, क्या पढ़ के बता सकती है इसमें क्या लिखा है? हाँ जरूर। अरे दीदी, इसमें तो अंग्रेजी में लिखा है पर ये बहुत बुरी खबर है। पता नहीं क्या बुरी खबर लिखी होगी इसमें। अब तो जब पोस्ट आपको आएंगे तभी पता चलेगा इसमें क्या लिखा है। रिंकी आती है और दरवाजा खुला देख बोलती है। अरे दरवाजा भी खुला है। माँ मैं आ गई। मैं आ गई। अरे तुम कब आई? माँ मैंने अभी ना कहा मैं अभी आई। अरे वो ये ध्यान नहीं था ना। क्यों, क्या हुआ? अरे देखो सुबह से पत्र आया है, सुबह से शाम हो गई लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला इस पत्र में क्या लिखा है। माँ आप टेंशन मत लो, मैं अभी पढ़ के बताती हूँ। हाँ तो लो बेटा, तुम पढ़ के बताओ उसमें क्या लिखा है। माँ इसमें लिखा है कि नाना जी राम, नाना जी जन्म से। माँ इसमें यह लिखा है कि नाना, यह पत्र नाना जी ने भेजा और नानी जी हाय राम नानी जी जन्म सी। लिख कर आओ तो कौन है? माँ रुको, मैं भी देख के आती हूँ। अरे तुम लोग का कोई काम नहीं है क्या जो हमारे घर में दखलंदाजी करते हो? हमको बुलाया। माँ इसमें यह लिखा है कि नाना जी और नानी जी दोनों मंगल कुशल है और उन्हें हमारे लिए आशीर्वाद भेजा है। अरे वाह बेटा, तुम्हें पढ़ना आता है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम जहाँ तक पढ़ना चाहती हो मैं वहाँ तक पढ़ाऊंगी और मैं तुम्हें पढ़ने से कभी नहीं रोकूंगी। अब मुझे पता चला पढ़ाई करना कितना जरूरी है।